तो फ्रेंड शॉर्ट वीडियो आपको कैसे अपलोड करना है, तो फ्रेंड आपको अपलोड कैसे करना है शॉर्ट वीडियो, और कैसे आपको टाइटल लगाना है, कैसे आपको डिस्क्रिप्शन लगाना है। फ्रेंड आपको यहाँ पे ये जरूर चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, जिससे फ्रेंड आपको ऐसे अपलोड करते हो शॉर्ट वीडियो, अगर आपकी वीडियो व्यूज नहीं आता है तो फ्रेंड आपको टाइटल नहीं लगा रहे आप या डिस्क्रिप्शन में कुछ गड़बड़ करे हो, तो फ्रेंड आप क्या चीज़ गड़बड़ करे हो वो मैं आपको आज बता दूंगा। फ्रेंड आपको सब कुछ चीज़ अगर आपको यहाँ पे टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, सब टैग वगैरह आपको लगाना आता है, तो फ्रेंड आपका वीडियो यहाँ पे 100% जरूर वायरल होगा। तो फ्रेंड आपको शॉर्ट वीडियो किस प्रकार से यहाँ पे अपलोड करना है वो मैं आज बताऊंगा इस वीडियो में। तो फ्रेंड आपको टाइटल कैसे लगाना है, और फ्रेंड जो डिस्क्रिप्शन देख रहे हो तो फ्रेंड ये आपको कैसे लगाना है, ये आपको टैग कहाँ से मिलेगा ये भी मैं बता दूंगा। और फ्रेंड जो मेन चीज़ रहती है हैशटैग, जिससे आपका वीडियो वायरल होता है, तो फ्रेंड आपको किससे संबंधित आपको लगाना है ताकि आपके वीडियो पर भी व्यूज आए, तो फ्रेंड ये चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा आपको शॉर्ट वीडियो किस प्रकार से आपको अपलोड करना है जिससे आपका वीडियो वायरल होगा। तो फ्रेंड आपको मैं सब यहाँ पे बता दूंगा, एकदम सिंपल तरीका है फ्रेंड। फ्रेंड वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, पूरा प्रोसेसिंग आपको बता दूंगा। चैनल पर आप नहीं हो तो फ्रेंड एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको यूट्यूब ओपन कर लेना है। यहाँ पे यूट्यूब ओपन करने के बाद फ्रेंड आपको सिंपल नीचे आपको प्लस वाले पे यहाँ पे क्लिक करना है, और फ्रेंड यहाँ पे क्रिएट ए शॉर्ट लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है, और आपको गैलरी में से आपको शॉर्ट वीडियो ले लेना है जो आपको अपलोड करना है। तो आप क्रिएट ए शॉर्ट में आप क्लिक करोगे तो आपका गैलरी खुल जाएगा, वहाँ से आपको अपना आपका शॉर्ट वीडियो ले लेना है जो आपको अपलोड करना है। तो फ्रेंड जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे ले लिया है, लेने के बाद फ्रेंड आपको डन लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड प्रोसेसिंग चल रहा है, 2-4 सेकेंड में पूरा हो जाएंगे। और फ्रेंड आपको नीचे आगे पीछे करने के लिए भी मतलब आप कहाँ तक अपलोड कर सकते हैं वहाँ तक आप कर सकते हैं, और 60 सेकंड तक आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एक वीडियो। तो फ्रेंड ये प्रोसेसिंग कुछ देर में यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद में फ्रेंड यहाँ पे आपको अपलोड करना है, और फ्रेंड पूरा एडिटिंग बताऊँगा जिससे आपका वीडियो वायरल होगा 100%। इसके बाद में फ्रेंड आपको ये जो ओके लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट लिखा है इस पर आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ऊपर में जो पेंसिल लिखा है इस पर आपको टैप करना है, और फ्रेंड आपको जिस प्रकार से आगे की सबसे आगे यहाँ पे अपने को खाली दिखाई देता है, कुछ दिखता नहीं है। तो फ्रेंड जिस प्रकार से आपका वीडियो अगर यूट्यूब पे खुलता है तो यही आपको दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको एक थंबनेल लगाना है, वो कैसे लगाना है वो मैं बता रहा हूँ आपको, मेन चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो फ्रेंड आपको नीचे एक क्यूज दिखाई दे रही है, ये फ्रेंड थंबनेल के लिए। तो फ्रेंड जिस प्रकार से आपका वीडियो अगर सामने आएगा तो फ्रेंड आपको सबसे पहले ऊपर में ये आपका टाइटल दिखेगा, तो फ्रेंड ये चीज़ आपको ज़रूर लगाना है। तो यहाँ पर देख रहे हो मेरा यहाँ पे सब दिख रहा है, पूरा वीडियो चैनल पर दिखे और यहाँ पे नीचे पूरा टाइटल दिख रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड ये चीज़ आपको यहाँ पे ले लेना है, डन कर देना है। तो फ्रेंड अभी आप देखना यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइटल ही दिखेगा, चाहे वीडियो कैसे भी स्टार्ट हो, तो फ्रेंड ये आपको ज़रूर लगाना है ट्रिक, ये लगाना है। और ये लगाने के बाद फ्रेंड आपको जो एडिटिंग है वो आपको YT स्टूडियो में बताऊंगा, वहाँ पर आपको आसानी से पूरा एडिटिंग कर लेना है। आपको टाइटल बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन कैसे लगाना है वो बताऊंगा, और टैग कैसे लगाना है वो आपको मैं बताऊंगा। तो फ्रेंड यहाँ पे अपलोड शॉर्ट लिखा है, इस पर आपको जो अनलिस्ट वेसिबिलिटी आपको अनलिस्टेड रखना है, मतलब पब्लिक नहीं करना है आपको, यहाँ पर ध्यान रखना आपको अनलिस्टेड ही रखना है, और अपलोड कर देना है यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। YT स्टूडियो में आपको मैं पूरा बता दूंगा, आपको वहीं पर एडिट करना है इसको, पूरा डिस्क्रिप्शन है, टैग है, टाइटल है, सब आपको वहीं पे लगाना है। तो अपलोड शॉर्ट कर देना, तो ये आपका वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा कुछ सेकंड में। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको YT स्टूडियो आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, एडिट में जाना है यहाँ पे। तो देख रहे हो फ्रेंड अपना वीडियो यहाँ पे अपलोड हो गया, अब आपको यहाँ पे एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद फ्रेंड आपको सबसे पहले यहाँ पे टाइटल लगाना है। तो फ्रेंड आपका जो भी जिस प्रकार से आपका संबंधित आपका वीडियो है वही आपको यहाँ पे टाइटल लगाना है। तो फ्रेंड जिस प्रकार से मेरा जीके का संबंधित यहाँ पे वीडियो है शॉर्ट, तो फ्रेंड मैं यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ पे मैं लगा देता हूँ जीके क्वेश्चन एंड आंसर। तो फ्रेंड आपको कीवर्ड इस प्रकार से यहाँ पे लगाना है, जीके क्वेश्चंस एंड आंसर। तो फ्रेंड एक ये टाइटल आपने लगा दिया, ये टाइटल लगाने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे एक डॉट लगा देना है, दो लगा सकते हो, शॉर्ट है। तो फ्रेंड आपको कीवर्ड हमेशा यहाँ पे थोड़ा सा इसी प्रकार से लगाना है ताकि आपका वीडियो यहाँ पे जल्दी वायरल होगा। तो फ्रेंड एक यहाँ पे लगा दिया जीके क्वेश्चंस एंड आंसर। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर आपको और लगा देना है, जिस प्रकार से जीके क्वेश्चन हो गया ये लगा दिया, और इसके बाद में आपको यहाँ पे डॉट लगा देना है,
जीके क्वेश्चन हो गया, जीके क्यूज वीडियो, जीके शॉर्ट वीडियो हो गया, और एक दो और लगा देते। तो फ्रेंड इस प्रकार से आपको यहाँ पे लगाना है, जीके के हिसाब से आपको लगाना है। जिस प्रकार से जीके क्यूज लिख दिया यहाँ पे, जीके क्यूज वीडियो, तो फ्रेंड ये आपको टाइटल इसी प्रकार से लगाना है, छोटा टाइटल एकदम लगाना है। और फ्रेंड आप यहाँ पे अगर चाहो तो आप यहाँ पे एक हैशटैग भी लगा सकते हो, मैं लगाता हूँ बहुत सारे वीडियो में। तो फ्रेंड जिस प्रकार से मैंने जीके का लगाता हूँ यहाँ पे, जीके के संबंधित है, तो यहाँ पे मैंने जीके का सिर्फ लगा दिया है ताकि आपका वीडियो चांस होता है कि वायरल हो सकता है। तो फ्रेंड ये आपको लगा देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो फ्रेंड ये अपना टाइटल हो गया। टाइटल होने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, इस टाइटल को आपको पूरा यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे आ जाना, ए डिस्क्रिप्शन में, ए डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आ जाना आपको। यहाँ पर आने के बाद में आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो ये आपको पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। इसके बाद फ्रेंड आप यहाँ पे इसका जो यहाँ पे आप अगर टैग लगाना चाहो तो ये भी लगा सकते हो। तो फ्रेंड जिसका जिससे आपका वीडियो जल्दी वायरल होगा, टैग लगा सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको लिख देना जिस प्रकार से अबाउट टैग लिख देना है, और आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। तो फ्रेंड टैग आपको कहाँ से लेना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको इसको एक बार यहाँ पे सेव कर देता हूँ, इसके बाद में आपको मैं बताता हूँ टैग आपको कहाँ से लेना है जिससे आपका वीडियो जल्दी वायरल होगा। तो फ्रेंड इसको यहाँ पे आपको सेव कर देना है, और आपको डिस्क्रिप्शन है, सबसे पहले आपको टैग जनरेट करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड आपको इसका डिस्क्रिप्शन है, ये टाइटल है, आपको आप कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में इसको सेव कर देना, नहीं तो आपका वीडियो यहाँ पे वापस अनलिस्टेड हो जाएगा। तो फ्रेंड अभी आपको मैं बताता हूँ आपको टैग कहाँ से लेना है अगर आपको नहीं मिलता है। तो फ्रेंड आपको गूगल या क्रोम ब्राउजर आपको कोई भी कुछ भी ओपन कर लेना है, और यहाँ पे फ्रेंड आपको सर्च कराना है, रेपी टैग लिख के आपको सर्च कराना है। यहाँ पे सर्च कराओगे तो फ्रेंड आपको यहाँ पे ऊपर में जो लिखा है आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले ऊपर वाला क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आप देख रहे हो यहाँ पे AI टैग है ये सब। तो फ्रेंड यहाँ से आपको टैग मिल जाएंगे काफ़ी सारे, ये आपको यहाँ पे जनरेट कर लेना है। तो फ्रेंड आपको यूज टूल फ्री लिखा है, इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पर फ्रेंड आपको जो नीचे यहाँ पर टाइटल लिखा है इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में आपका जो भी यहाँ पे अपने कीवर्ड वहाँ से टाइटल कॉपी किया था ये आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में फ्रेंड आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे कुछ देर में यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे टैग रहेंगे वो वायरल टैग रहेंगे वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो फ्रेंड देख सकते हो जो भी अपने टैग हैं सो जीके के संबंधित सब टैग यहाँ पे आ गए। तो फ्रेंड यही आपको वहाँ पे लगाना है आपकी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपका वीडियो वहाँ पे जल्दी वायरल होगा। तो फ्रेंड ये आप जो देख रहे हो सब ये वायरल टैग है यहाँ पे। तो फ्रेंड आप इनको क्या करना है, सबको एक साथ कॉपी कर लेना है। तो फ्रेंड आप यहाँ पे डेस्कटॉप साइट है या बंद भी कर सकते हो, ताकि आपको थोड़ा सा एडिटिंग करने में आसानी रहेगी। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे वापस पे टैप करना है, और यहाँ पे पेस्ट करोगे तो यहाँ पे आपको वापस देख रहे हो यहाँ पे इसी प्रकार से जो टैग है सब यहाँ पे आ जाएंगे। तो फ्रेंड ये जीके का संबंधित है, पूरा वायरल टैग है यहाँ पे। तो फ्रेंड ये आपको क्या करना है, यहाँ से पूरा का पूरा एक साथ कॉपी कर लेना है, और कॉपी करने के बाद में आपको मैं बता दूंगा आपको वहीं पे एडिट करना है। तो फ्रेंड ये वायरल टैग है यहाँ से, जिससे आपका वीडियो 100% यहाँ पे वायरल होना ही, आज नहीं तो कुछ दिन बाद में ज़रूर होगा। तो फ्रेंड ये आपको लगाना है, तो आपको पूरा कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको क्या करना है, वापस वाइट स्टूडियो में आपको आ जाना है। तो फ्रेंड वापस आपको वाइट स्टूडियो में आ जाना है, वापस आपको एडिट में जाना है। यहाँ पे एडिट में जाने के बाद फ्रेंड बाकी की तो अपना लिखा हुआ है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन में सब लिखा हुआ है। वापस आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद में अपने जो कॉपी किए हैं टैग ये आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड आप देख रहे हो अपने कॉपी करते हैं तो फ्रेंड इस प्रकार से आगे पीछे ऑप्शन हो जाता है, बराबर नहीं रहता है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको क्या करना है, सबको एडिट करना है। तो फ्रेंड इस प्रकार से आपको कट करना है और नीचे की ओर मतलब एक साइड से पूरा आपको रखना है। यहाँ से देख रहे हो मैं यहाँ पे कट करके नीचे की ओर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड इसी प्रकार से आपको पूरा करना है। तो फ्रेंड इस प्रकार के मैंने भी लगाए हैं कई वीडियो में, जिससे मेरे को वीडियो से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। तो फ्रेंड ये ट्रिक आप एक बार ज़रूर लगाएं। तो फ्रेंड इसको अपने यहाँ पे आगे कर लेते हैं सबको। तो फ्रेंड इसी प्रकार से आपको पूरा यहाँ पे कर लेना है यहाँ पे। तो फ्रेंड देख रहे हो मैंने यहाँ पे सब टैग लगा दिए जो अपने अबाउट टैग थे, पूरा यहाँ पे इसी प्रकार से आपको लगा लेना है। तो फ्रेंड जीके के संबंधित सब यहाँ पे जो भी थे, शॉर्ट वीडियो, जीके क्वेश्चन शॉर्ट वीडियो, जीके क्वेश्चन आंसर, मतलब जीके क्वेश्चन इंग्लिश, सब यहाँ पे जो जीके संबंधित है वो सब आ गए। तो फ्रेंड अगर आप इस प्रकार का आपके डिस्क्रिप्शन में लगा रहेगा
तो फ्रेंड कहीं ना कहीं आपका वीडियो जरूर वायरल होगा। तो फ्रेंड ये लगाना है, लगाने के बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, वापस आपको नीचे आ जाना है। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको हैशटैग लगाना है, जो फ्रेंड मेन चीज़ वही है जिससे आपका वीडियो यहाँ पे वायरल होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे हैशटैग किस प्रकार से लगाना है ध्यान रखना, फ्रेंड कैसा लगाना है वो भी आपको यहाँ पे नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि आपका कैटेगरी अपना जीके का है और आप इंटरटेनमेंट वाला फनी वाला यहाँ पे डाल दिया तो फ्रेंड आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। तो फ्रेंड ध्यान से देखना है यहाँ पे, तो सबसे पहले आपको हैशटैग लगाना है जीके। तो यहाँ पे जीके का देख रहे हो, यहाँ पे आ गया 4.7 मिलियन वीडियो अपलोड हुआ, 332 के चैनल बनाए। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको एक ये लगा देना है, तो वापस आपको करना है जीके वीडियो 2023 ये लगा देना है, वापस आपको टैप करना है। जीके से संबंधित आपको फ्रेंड जीके क्यूज हो गया, जीके के संबंधित आपको यहाँ पे लगा देना है जीके शॉर्ट वीडियो। तो फ्रेंड जीके के जो भी रहेंगे, जीके क्वेश्चन आंसर हो गया, देख सकते हो यहाँ पे जीके क्वेश्चन आंसर हो गया, वापस और लगा देना है। यहाँ पे जीके के संबंधित आपको बहुत सारे यहाँ पे टैग मिल जाएंगे, जीके हिंदी, जीके क्वेश्चन, जीके शॉर्ट्स, जीके शॉर्ट हो गया। तो फ्रेंड इसी प्रकार से आपको 8-10 कीवर्ड लगा देना है जिससे आपका वीडियो वायरल होगा जरूर। तो फ्रेंड जीके स्टडी हो गया, तो फ्रेंड इसी प्रकार से आपको 8-10 जीके के संबंधित आपको लगा देना है, और आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका डिस्क्रिप्शन अच्छे से लग गया, यहाँ पे टैग लग गया। तो फ्रेंड अभी आपको जो और टैग होते हैं वो आपको मैं और बता देता हूँ, जो अपने यहाँ पे टेक्स्ट बोलते हैं, मोर ऑप्शन जो नीचे लिखा है यहाँ पे टेक्स्ट लगाते हैं, वो आपको जरूर लगाना है यहाँ पे। तो फ्रेंड ये आपको यहाँ पे लगा देना, जिस प्रकार से आपको एक एक यहाँ पे कॉपी करना है, जिससे सबसे पहले आपको ऊपर वाला टाइटल है एक कॉपी कर लेना, आपको एक वाला ऊपर वाला कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में फ्रेंड आपको यहाँ टैग में जाना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड ये भी जरूरी है जिससे आपका वीडियो जरूर रैंक करता है, ये चीज़ भी जरूर लगाना है आपको। इसके बाद में आपका दूसरा टाइटल हो गया, ये आपको यहाँ पे ले लेना है और यहाँ पे आपको टैग वाले पे जाना है और वापस आपको पेस्ट कर देना है। वापस आपको यहाँ पे जाना है और जिस प्रकार से जीके शॉर्ट है ये, तो ये आपको ले लेना है। तो फ्रेंड जो भी अपना लगा है ये लगा सकते हो, और बाकी भी आप जीके से संबंधित यहाँ पे और लगा सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। जीके शॉर्ट वीडियो यहाँ पे हो गया, यहाँ तक नहीं लिया था मैं। तो फ्रेंड ये आपको लगा देना है यहाँ पे, तो इससे भी आपका वीडियो जरूर वायरल होगा। जीके क्यूज वीडियो हो गया, तो फ्रेंड ये आप 8-10 टैग्स जरूर लगाना है, लगाने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है। तो फ्रेंड ये अपना टाइटल ले गया, डिस्क्रिप्शन मैंने समझा दिया, टैग आपको गूगल से उसी प्रकार से आपको लेना है, सब आपको इस साइज में आपको एक साइड पूरा एक करके आपको इस प्रकार से यहाँ पे लगाना है, कहीं एक साथ आपको नहीं लगाना है, पूरा इसी प्रकार से जो मैंने बताया उसी प्रकार से आपको लगाना है। तो फ्रेंड ये अगर आप लगाए तो फ्रेंड आज नहीं तो कुछ दिन बाद में आपका वीडियो जरूर रैंक करेगा, वायरल होगा। तो फ्रेंड ये चीज़ आपको लगाना है। और फ्रेंड आपको वीडियो अनलिस्टेड कैसे करना है, अपलोड कैसे करना है, अभी तो फ्रेंड अपने एडिट किए हैं, पूरा अपलोड नहीं किया अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पे अनलिस्टेड यहाँ पे दिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है, आपको पब्लिक नहीं करना है। यहाँ पे आपको शेड्यूल लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रेंड आप टाइम सेट कर सकते हो, अगर आप किसी भी टाइम पे आप अपलोड करते हो वीडियो तो यहाँ पे आपको टाइम सेट कर सकते हो, जिस प्रकार से आप शाम को 6 बजे आप यहाँ पे अपलोड करते हो, तो यहाँ पे डेट देख रहे हो, यहाँ पे मतलब आज की डेट में करते हो तो यहाँ पे आपको 21 तारीख है, जिस प्रकार से सैटरडे है, तो यहाँ पे आपको ओके करना है, टाइम पे आपको चला जाना है, 6 बजे करना है, 6 AM PM आप जो भी आप करो, तो यहाँ पे 6 PM कर देना है, ओके कर देना है। इसके बाद फ्रेंड ये ऑटोमेटिक आपका जो भी टाइम आएगा 6 बजे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पब्लिक हो जाएगा। तो फ्रेंड इसी प्रकार से आपको यहाँ पे अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे सेव कर देना है। तो फ्रेंड ये आपको ज़रूर लगाना है, टैग वगैरह टाइटल सब। तो फ्रेंड इसी प्रकार से आपका वीडियो ज़रूर वायरल होगा। तो फ्रेंड शॉर्ट वीडियो इस प्रकार से शॉर्ट कीवर्ड के हिसाब से आप टाइटल लगाते हो फ्रेंड, जरूर आपका वीडियो वायरल होगा। तो फ्रेंड इस प्रकार से आपको अपलोड करना है। और फ्रेंड आपको नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको और ज़रूर बताऊंगा आपको क्या दिक्कत आ रही है। अगर आपका वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहा तो फ्रेंड आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। तो थैंक्स फ्रेंड, आपको इस प्रकार का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलना। थैंक यू।